मध्य प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें मध्य प्रदेश के कई जिलों से सामने आ रही हैं। प्रदेश के अलग अलग डैम में पानी बढ़ने के चलते डैम के गेट खोले जा रहे हैं। हालांकि गेट खोलने से निचली बस्तियों में जल भराव हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में 24 घंटे की भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे निचली बस्तियों में जल भराव की चिंता और बढ़ गई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पानी ही पानी। अगले 24 घंटे में 31 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। एमपी के डैम लबालब खोले जा रहे गेट। निचली बस्तियों में जल भराव के हालात। शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। हर जिले में रेस्क्यू टीम तैनात। मध्य प्रदेश में मानसून के स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में रविवार को झमाझम बारिश का दौर जारी है। अच्छी बारिश से प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। 10 बड़े बांध फुल हो चुके हैं। भोपाल विदिशा में देर रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 31 जिलों में भी बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश में डैम की स्थिति। भोपाल का कोलार डैम जल स्तर पहुंचा 458.93 मीटर, क्षमता 462.2 मीटर। भोपाल का कलियासोत डैम जल स्तर पहुंचा 502.98 मीटर, क्षमता 505.67 मीटर। खंडवा का ओमकारेश्वर डैम जल स्तर पहुंचा 194.82 मीटर, क्षमता 196.6 मीटर। राजगढ़ का मोहनपुरा डैम जल स्तर पहुंचा 395.7 मीटर, क्षमता 398 मीटर। विदिशा का संजय सागर डैम जल स्तर पहुंचा 446.45 मीटर, क्षमता 448.2 मीटर। नर्मदापुरम का तवा डैम जल स्तर पहुंचा 352.8 मीटर, क्षमता 355.4 मीटर। जबलपुर का बरगी डैम जल स्तर पहुंचा 419.5 मीटर, क्षमता 422.76 मीटर। शाजापुर का टिल्लर डैम हुआ फुल। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में दो नए सक्रिय बड़े सिस्टम बनने की बात कही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का दौर प्रदेश के 31 जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते डैमों में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सभी बड़े डैमों के गेट खोले जा रहे हैं, जिसका सीधा असर निचली बस्तियों में देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अभी देखा गया तो पिछले कुछ दिन से वो जो लो प्रेशर था वो कल डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। तो अभी देखा गया तो वो ऑलमोस्ट हमारे रीजन के ऊपर ही, नॉर्थ ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में एमपी में ही वो पोजिशन है अभी, और एडजॉइनिंग यूपी की तरफ है। तो वो अभी वेस्ट की तरफ मूव होगा। तो आज और कल हमारे रीजन में काफ़ी बारिश का चांसेस है। तो उसके लिए हमने रेड वार्निंग और ऑरेंज वार्निंग मतलब इशू किया। प्रदेश में जहां जहां बारिश ने तांडव मचाया है, वहां जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। हालात को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। पुल और नदी में पानी ज्यादा होने पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम को भी अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। बारिश ज्यादा हो रही है, ऐसे में मैंने प्रशासन को भी अलर्ट किया और जनता को भी सावधान करता हूँ कि हमको इस प्राकृतिक वर्षा ऋतु में खास करके वर्षा की अधिकता होने कारण से एक तो पेड़ के नीचे ना जाए, बिजली गिरने का डर रहता है, और दूसरा बाढ़ और ऐसी जगह पर जहाँ पानी बहाव की ज़्यादा स्थिति में आवश्यक सावधानी रखे। प्रशासन अलर्ट है और हर स्थिति से हम जनता को सावधान भी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वर्षा का ये दौर ऐसे सुरक्षित निकलेगा, परमात्मा से कामना। राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो बीते दिनों जिस तरह से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, उसके चलते भदभदा, कलियासोत, केरवा और कोलार डैम के भी गेट लगातार खोले जा रहे हैं।
स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विवेक राणा ने ग्राउंड जीरो में जाकर जायजा लिया। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होने के कारण डैमों में जलस्तर बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने के कारण डैमों के लगातार जो गेट हैं वह खोले जा रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के भदभदा डैम पे खड़े हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो डैम के जो दो गेट हैं वह खोल दिए गए हैं। हालांकि इसके पहले भी जो गेट हैं वह खोले गए हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे जलाशय हैं, जो कई ऐसे डैम हैं बड़े, जिनके गेट करीब एक सप्ताह से लगातार खोले जा रहे हैं, मगर चिंता का विषय यह है कि निचली जो बस्तियां हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब डैम के गेट खोले जाते हैं तो जो निचली बस्तियां हैं उन पर जलभराव की जो स्थिति है वह लगातार बनी रहती है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विषय को लेकर चिंता जताई है। साथ ही यदि बात की जाए निचली बस्तियों की, तो जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि नए सिस्टम बनने के कारण मध्य प्रदेश में 24 घंटे तक भारी बारिश होगी और भारी बारिश के चलते जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और जल स्तर बढ़ने के चलते कई ऐसे डैम हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, जिनके जो गेट हैं वह खोले जाएंगे और खोलने के बाद निचली बस्तियों पर पानी जाएगा और कहीं ना कहीं निचली बस्तियों के लिए एक बड़ा संकट अब देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज न्यूज भोपाल। वैसे मानसून आने से पहले सरकार हमेशा तैयारी करती है, उसके बावजूद भी निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति हर मानसून में देखने को मिलती है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों का विस्थापन भी किया जाएगा, मगर आज भी तस्वीर जैसी की तैसी है। भोपाल से कैमरा पर्सन अमित के साथ विवेक राणा की रिपोर्ट।